सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे आज का राशिफल, कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार का अपडेट। जानेंगे कि तीनों ही आज कैसे देखने को मिल सकते हैं और आगे क्या संभावना रहेगी। और ये सब जानने के लिए सबसे पहले बात करेंगे राशिफल की। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मागरे एमसीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश जी, राखी एवं मार्केट टाइम के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये लाइव शो आप तक प्रसारित हो रहा है। सर्वप्रथम सन 2022 के शुभागमन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य आए, ऐसी हमारी आरजू है। आज सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। दोस्तों याद रखिएगा, बाजार तेज चल रहे हैं या मंदे, बाजार में तेजी आ रही है या मंदी, सवाल यह है क्या आप कमा रहे हैं, क्या आपको लेनियां हैं, क्या ये बाजार आपको पैसा दे सकता है, एक बड़ा प्रश्न आपके जहन में होता है और उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ भारतीय एस्ट्रोलॉजी के पास ही होता है। 12 राशियों को 4 तत्वों यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है। एक कदम आगे, एक कदम पीछे, तेज दिमाग, तुरंत निर्णय, आपकी जो शक्ति है उसमें आपको असमंजस, कंफ्यूजन, डायलिमा आ सकता है। 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है। 2, 4, 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर राशि बिल्कुल मुफीद नहीं है, परेशानियां हो सकती है, लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं, एक बार पुनः जांच कर लें, दोबारा परख लें। 1 बजे से 2 बजे के बीच में कहीं मत जाइए। 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये वायु तत्व की राशियां हैं, मिश्रित शोक की इशारा कर रही हैं, 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अधिक सावधानी। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, दिन आपके लिए संभवतः मुफीद रहे, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में रखिए अधिक सावधानी। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। जी अखिलेश जी, जी तो ये तो हमने राशियों के हिसाब से आपका मुनाफा नुकसान जाना कि आज कौन सी राशियों को संभल कर चलने की ज़रूरत है और कौन सी राशियां आज मुनाफा कमाने की स्थिति में रह सकती हैं। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कमोडिटी बाज़ार की। कर्नल अजय जी, सबसे पहले आपसे कमोडिटी बाज़ार में कृषि जिन्सों के ऊपर बात करना चाहूँगा। आपने काफ़ी समय से मसालों में बता रहे थे कि मसालों में तेज़ी के आसार बनने की उम्मीद, मसालों में तेज़ी की उम्मीद है, वो हमने आज होते हुए देख लिया है। आपने हल्दी में तेज़ी बताई थी, आज हमने हल्दी में बढ़त बनते हुए देखी है, काफ़ी शानदार तेज़ी आज वायदा बाजार के अंदर हल्दी की कीमतों में देखने को मिल रही है, 3% से ज़्यादा की तेज़ी भी बनते देखी। धनिया में भी देखा है कि 9,100 के ऊपर का कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। और जीरे में भी, जो जीरा 16,000 पर काफ़ी दिनों से गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, अब वही जीरा 16,600 के ऊपर वायदा बाजारों पर कारोबार करता नज़र आ रहा है। कर्नल अजय जी, आपने जो मसालों के ऊपर जो प्रिडिक्शन दी थी कि मसालों में तेजी आएगी, आपकी वो प्रिडिक्शन सत्य साबित होती नज़र आई है। अब आपको यहाँ से आगे क्या लगता है मसालों में, खास करके कि मसालों में आगे कैसा रुझान रह सकता है? अब देखिए अखिलेश जी, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और मार्केट टाइम्स टीवी के जो भी दर्शक बंधु हमारे इस प्रोग्राम को बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, देखते हैं, उम्मीद है कि उन्होंने भरपूर लाभ उठाया होगा, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का एक कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन बिंदु होता है, वो है कि जब बाजार गिर रहे हैं उस वक्त आप उसका विश्लेषण करें,
जब बाजार बढ़ रहे हैं उस वक्त विश्लेषण करें, जब बाजार बढ़ रहे हैं तो तेजी की बात करें, और जब बाजार गिर रहे हैं तो गिरते बाजार में गिरने की बात करें। ये एनालिसिस कभी भी नाकामयाब पहले था, ना आज है, ना कल होगा, क्योंकि तेजी में तेजी करने वाले, मंदी में मंदी करने वाले ये अक्सर दिग्भ्रमित कर देते हैं, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ने कभी भी ऐसा नहीं किया और ना आगे करेगी। मसालों का जो फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत है, फसलों की स्थिति, उपलब्ध स्टॉक और अग्रिम अनुमान डिमांड का लगाना, यही बाजारों के विशेषज्ञों का काम है। अभी और उसके आधार पर हम लगातार आपको बता रहे थे कि जीरे के अंदर हमें तेजी नजर आ रही है, जो कि गुजरात के अंदर जो कि प्रमुख जीरा उत्पादक राज्यों में से एक है, वहां पर बिजाई की, जीरे की बिजाई बहुत कम की सूचना मिल रही है, और जीरा का जो पाइपलाइन है वो भी टाइट है। उसको देखते हुए हमने आपको, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ग्रह स्थिति भी जीरे के लिए मुफीद थी, पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी, इसलिए जीरा, धनिया और हल्दी के अंदर हमने आपको तेजी की बात कही थी अग्रिम, जब ये पिटाई खा रहे थे, जब भी यही कहा था धैर्य रखिए, ये समय खरीदने का है, बेचने का नहीं। जब तक आप मंदी में नहीं खरीदेंगे, आप तेजी में कैसे बेचेंगे? ये व्यापार का नियम है कि मंदी में खरीदो, तेजी में बेचो, लेकिन अनुमान लगा के खरीदो कि ये मंदी और मंदी लेके आ रही है, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, एक अवसर प्रदान कर रही है आपको नीचे में माल खरीदने का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे लगता है आपका जो सवाल है कि आगे क्या रहेगा, कुछ छोटी अवधि के अंदर मसाला पैक अभी मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भी आएगी एक बड़ी मंदी, इसमें कोई दौर आएगी, क्योंकि साथ लेना और साथ छोड़ना, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात अवश्य आती है, लेकिन ये कब आएगी इसकी हम आगे, जैसी मंदी आएगी उसकी हम अग्रिम आपको विश्लेषण देंगे, लेकिन अभी अल्प अवधि, छोटी अवधि के अंदर ये मसाला पैक तेज नजर आ रहा है, ये अखिलेश जी। तो यानी कि कर्नल अजय जी के मुताबिक मसाला पैक में अभी हाल फिलहाल में छोटी अवधि की बात करें तो अगर उनके अनुसार छोटी अवधि में मसालों में तेजी का ही रुझान है, लेकिन इसमें भी गिरावट जरूर बनेगी आगे जाके, जिसकी अग्रिम भविष्यवाणी कर्नल अजय जी आपको पहले ही दे देंगे, जैसे आज से पहले अवगत कराते आए हैं, आपको नुकसान से बचाते आए हैं कर्नल अजय जी, आप मसालों में भी वैसे ही आगे बचाएंगे। इससे कर्नल अजय जी बात करें अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की, तो नॉन एग्री में आपको क्या लगता है? हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली है, बेस मेटल्स का बाजार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए बेस मेटल के अंदर अभी थोड़ा सा एमसीएक्स के ऊपर थोड़ा सा कॉपर फ्लैट सा चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि तांबे के अंदर यानी कॉपर के अंदर आज तेजी की संभावना बन सकती है, और इसको शॉर्ट यानी कोई करना चाहता है तो उसको बचना चाहिए, तांबे के अंदर शॉर्ट करना उचित नहीं रहेगा। मेटल मुझे तेज नजर आ रहे हैं, स्टील प्राइसेस भी यदि आप देखें, लोहा की बात करें, उसके अंदर भी बहुत अच्छी मूवमेंट पिछले लगभग एक हफ्ता से बन गई है, लगभग 3 से 4 रुपए प्रति केजी की प्राइसेस स्टील ने भी दी है, और मुझे लगता है कि आज कॉपर के अंदर तेजी की संभावना होते इनकार नहीं किया जा सकता। जी जतले जी जी, तो यानी कि कॉपर में आज तेजी की संभावना बनती नजर आ सकती है। इसे कर्नल जी बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, तो आपको क्या लगता है 2022 में स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है और आज स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है? देख रहे हैं कि 2022 का पहला कारोबारी सप्ताह का पहला कारोबारी दिन है। देखिए सन 2022 का वर्ष का पहला कारोबारी दिन सकारात्मक रहेगा, मेटल, ऑटो, आईटी, इन सभी स्टॉक्स के अंदर अच्छी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। और आपका जो सवाल है सन 2022 के अंदर शेयर बाजार की क्या संभावना बनती है, शेयर बाजार निश्चित रूप से दर्शकों को और इनमें कारोबारियों को, निवेशकों को भरपूर लाभ देने में सक्षम है, और ये एक ऐसा बाजार है जिसके अंदर हर आमो खास की पूरी नजर और पूरा इंटरेस्ट रहता है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक भी करते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक भी इस भारतीय बाजारों के अंदर लगातार निवेश करते हैं, और बहुत से पेंशन फंड और दूसरे दुनिया भर के फंड्स भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं।
भारतीय शेयर बाजार के अंदर इस वर्ष मेटल स्टॉक्स का बोलबाला रह सकता है, बैंकिंग स्टॉक्स अपना रंग दिखा सकता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर भी तेजी बनी रह सकती है। इन सेक्टर्स के अंदर अच्छी मूवमेंट बनने की संभावना बन रही है। मेटल स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। और सन 2022 के यदि आप कहें कि इसके अंदर यदि पहले 10 या 15 स्टॉक्स में यदि हमें सिलेक्शन करना पड़े जो फंडामेंटली मजबूत हों, कम रिस्क के हों और आपको ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं, उसके अंदर यदि मेरी चॉइस रहेगी, सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर सबसे बड़ा मार्केट कैप के लिहाज से HDFC बैंक, प्राइवेट सेक्टर के अंदर दूसरा बड़ा बैंक ICICI बैंक और सरकारी क्षेत्र की के दो बैंक, एक SBI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। ये चार स्टॉक जो हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटल के नजरिए से मजबूत नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बैंकिंग सेक्टर में दो स्टॉक या तीन स्टॉक और पकड़े तो उसके अंदर कोटक बैंक के ऊपर मैं नजर रखना चाहूंगा और दूसरा है AU स्मॉल, माइक्रो फाइनेंस से कन्वर्ट होके ये बैंक बना है, इसके अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। ये 5-6 स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेटल स्टॉक्स के अंदर जो है उसके अंदर टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर, ये स्टॉक्स हैं, ये मेटल सेक्टर के अंदर तेजी दिखा सकते हैं, इसके ऊपर नजर रखनी उचित रहेगी। इसके अतिरिक्त अब हम IT स्टॉक्स यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी स्टॉक्स में नजर रखें तो उसके अंदर इंफोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक और माइंडट्री, ये 4-5 स्टॉक्स हैं, ये इस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करने की संभावना है। अब यदि अब हम देखें कैपिटल गुड्स के अंदर, तो कैपिटल गुड्स के अंदर हमें नजर रखनी चाहिए लार्सन एंड टर्बो पर, बहुत अच्छा स्टॉक है। भेल पर ये इस पर नजर रखी जा सकती है, इसके अतिरिक्त ABB पर नजर रखी जा सकती है और सिमेंस पे नजर रखी जा सकती है। ये कैपिटल गुड्स के अंदर इन स्टॉक्स के ऊपर नजर रखी जा सकती है, सारे बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद आता है फार्मा स्टॉक्स। फार्मा स्टॉक्स के अंदर डॉक्टर लाल पैथोलॉजिकल लैब, इसके ऊपर नजर रखी जा सकती है, फाइजर पे नजर रखी जा सकती है, सन फार्मा पे नजर रखी जा सकती है और सिप्ला के ऊपर नजर रखी जा सकती है। ये फार्मा की और एक और स्टॉक डॉक्टर रेड्डी पर नजर रखी जा सकती है। ये फार्मा स्टॉक्स के स्टॉक सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स मेरी पहली पसंद होगा, मारुति उद्योग, मारुति सुजुकी ये मेरी दूसरी पसंद होगा और तीसरा स्टॉक अशोक लीलैंड के ऊपर मैं नजर रखना चाहूंगा और चौथा स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा। इन स्टॉक्स के ऊपर, ये चार स्टॉक्स ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर आप साल 2022 के लिए नजर रखिए। अब सेक्टर आता है आपका रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप यदि निवेश करना चाहते हैं तो शोभा डेवलपर की तरफ देखिए, लोडाज की तरफ देखिए, ये अच्छे स्टॉक्स है और कुछ निवेश आप, कुछ परसेंटेज आप DLF के ऊपर भी कर सकते हैं। ये रियल एस्टेट स्टॉक्स के ऊपर है। इसके अतिरिक्त केमिकल स्टॉक्स के ऊपर मैं आपको विशेष जोर देने की सलाह दूंगा इस साल, टाटा केमिकल पे आप नजर रखिए, इसके ऊपर ये अच्छी तेजी दिखा सकता है, इसको हर गिरावट पे खरीदना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक्साइड बैटरी के ऊपर भी आपको नजर रखनी चाहिए, ये भी एक अच्छा फंडामेंटली बहुत मजबूत शेयर है। तो ये जो 15 से 18 शेयर आपको बताए, ये वो चुनिंदा नगीने हैं जिनके ऊपर आपको नुकसान होने की संभावनाएं बहुत कम है, इनको आप गिरावट में खरीदते जाइए और इसको साल 6 महीने के नजरिए से आप रखिए तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। जो FD का रिटर्न है उसे कई गुना रिटर्न इसमें मिल जाएगा। डिविडेंड सारी, लगभग सभी कंपनियां डिविडेंड पेइंग कंपनी हैं, इनके ऊपर आप निश्चित रूप से आपको डिविडेंड भी मिलेगा और साथ साथ के अंदर इसको अच्छी ग्रोथ भी होगी, तो ग्रोथ के साथ साथ में आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आपका को अच्छा मुनाफा ये कमा के देंगे। एक और महत्वपूर्ण है लिकर स्टॉक्स, मैंने छूट गया, तो लिकर स्टॉक्स के अंदर रेडिको खेतान
और यूनाइटेड ब्रेवरी जैसे स्टॉक्स के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये 15 से 18-20 स्टॉक हैं, उन स्टॉक्स को सन 2022 के अंदर यदि इसी के अंदर आप ट्रेडिंग या उसमें करते रहें, गिरावट में खरीदें, ऊपर आने पे बेच दें, फिर गिरावट आती है फिर खरीदें फिर बेचें, तो आराम से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इसके लिए आपको और बहुत ज्यादा स्टडी की आवश्यकता भी नहीं है। ये अपने रडार पे लगाइए, अपने स्क्रीन पे लगाइए 15-18 स्टॉक्स और उसी में ट्रेड करते रहिए। आपका निवेश भी सुरक्षित रहेगा, आपको टेंशन भी कम रहेगी और बाजार के उतार चढ़ाव से बचना पड़ेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल अखिलेश जी, मैं आपके जरिए दर्शकों को जवाब देना चाहता हूं। एक बड़ा सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर नौकरी पेशा वाला व्यक्ति क्या करे? वो व्यक्ति जिसकी आमदनी सीमित है और बहुत बड़ी इंक्रीमेंट नहीं होती है और वो क्या करे, क्योंकि सब में बड़ा पैसा लगता है, पैसा उसके पास होता नहीं है, तो वो क्या करे? जो वो मध्यम वर्गीय जो आम इंसान हिंदुस्तान का है, उसके लिए मेरे पास एक बहुत शानदार सजेशन है। क्योंकि मुझे मेरा मानना है कि जब तक हम हर आमो खास को नहीं फायदा उठाएंगे तो हमारे इस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है। आप निफ्टी बी यानी NIFTY निफ्टी बी डबल ई यानी निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके ऊपर आप नजर रखें और जो भी आपकी बचत है इसमें आप निफ्टी के इसके अंदर इसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं। उससे फायदा यह रहेगा आपको फ्यूचर के बचना पड़ेगा और निफ्टी की जो तेजी है, क्योंकि जो 50 कंपनियों की बेहतरीन कंपनियां उसमें से सेलेक्ट होती हैं देश की, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और बहुत कम निवेश के अंदर एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है और बाजार की वॉलेटिलिटी से बच सकता है और बाजार की तेजी का पूरा पूरा फायदा उठा सकता है। इसके अतिरिक्त निफ्टी बी के अतिरिक्त गोल्ड बीज भी जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो एक निफ्टी बी और एक गोल्ड बी, यानी सोने में भी निवेश है आपका और निफ्टी पे भी है, तो बाजार की जो जो इन की जो तेजी है उसका पूरा फायदा ये नौकरी पेशा वाले व्यक्ति या वो जो छोटे कारोबारी या दुकानदार जिनकी आमदनी बहुत सीमित है उनके लिए बहुत बढ़िया है। और विशेषकर जिन बच्चों की पढ़ाई होनी है, जिनकी शादी ब्याह होनी है, उनको भी धीरे 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 उनके लिए भी ये आप जोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि FD में आप रखेंगे 3-5% से ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा नहीं एनुअली, और वो महंगाई के बनस्पत आपका पैसा कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है और आपको उसमें नुकसान भी है। तो यदि आप इस तरह से आप रखेंगे तो आपका पैसा आपके पास रहेगा और बाजार की ग्रोथ उसमें आपकी जुड़ती जाएगी और धीरे धीरे बूंद बूंद करके गड़ा भर जाएगा और आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। जी अखिलेश जी, जी तो कुछ ऐसा रह सकता है साल 2022 में शेयर बाजार और आज का कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।